नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू। और हमारे साथ में जुड़े हैं आप नेता जिनको आधी रात को जान से मारने की धमकी मिली है, 30 लाख की रंगदारी मांगी गई है और पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है उसके खिलाफ। जहां प्रदेश के अंदर हम बात करें तो योगी सरकार में रंगदारी मांगने वाले माफिया और ड्रोन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इसके बावजूद भी वो डर नहीं रहे। और वहीं दूसरी तरफ योगी जी का बयान ये आ रहा है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है वो धीरे धीरे दंगा मुक्त होता जा रहा है, रंगदारी कोई वसूलेगा नहीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जी क्या हुआ आपके साथ, आप जो है पूरा घटनाक्रम आप बताएं जी। मैं दिनांक 13/4/2023 को दोपहर में अपने निजी काम से कहीं मार्केट में बैठा था तो एक फोन आता अनुपम से, कहा आपकी कि आप मुझे इतने लाख रुपए दे दीजिए वरना मैं आपकी हत्या करा दूंगा। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ जो है केस दर्ज कराऊंगा। इस संबंध में वो कहता आपके जनपद में प्रदेश में जितनी भी पुलिस है आप लगा दीजिए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस संबंध में मैंने पुलिस कप्तान साजनापुर को पूरी सूचना उपलब्ध कराई और उन्होंने मुझे एक नंबर दिया सर्विसमैन टीम का और मामला दर्ज कराने के लिए आदेश किया खुदागंज पुलिस को। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार में मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वह नेताओं के हों। आप सामने देखिए आपका चेहरा आपका ऊपर जा रहा है जी, आप सामने फ्रंट पर स्क्रीन पर चाहे वो जनता के लोग हों, किसी का भी कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। पुलिस आज के समय में जो बाबा जी की जीरो टॉलरेंस नीति का जो बीजेपी का खोखला दावा है उसकी पोल खुलती सामने आ रही है, जनता को सीधे भगा दे रहे हैं, कोई मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार अभी के चुनाव थे आप उनमें, अभी जो चुनाव हुए थे उनमें तो आप जो है भाजपा के सामने आप खड़े भी थे, आप विधायक प्रत्याशी भी रहे सुखविंदर सिंह चौहान जी, उनके लिए कहीं ना कहीं भविष्य में ये लगता है कि हम आम आदमी पार्टी उनके लिए उत्तर प्रदेश में खतरा है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में बल्कि खतरा है, इसलिए वो ऐसा करा रहे हैं और लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक अतिक अहमद गया है, अशरफ गए हैं उसके साथ असद गया है, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है डॉन की कमी है या फिर अभी भरे हैं एक तरफ से, और जो योगी जी दावा कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? तो वो तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ डॉन के लिए कोई जगह नहीं है, रंगदारी वसूलने वाले वसूलीबाजों के लिए कोई जगह नहीं है इस प्रदेश के अंदर। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं को जैसे मुझे धमकी मिली, बाबा जी के सारे दावे जो है खोखले हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा डान रहे हैं कि कभी इस पार्टी के कभी उस पार्टी के, जिसकी सत्ता होती है उसके डान पैदा हो जाते हैं। आज बीजेपी की सत्ता है प्रदेश में तो बीजेपी के डान पैदा हो गए हैं और वो लूटमारी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको किसी पर शक है या आपको लग रहा है कि कौन लोग जो है आपको किसी गैंग का नाम खोल करके आया है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम जिसका नाम जो है कुछ आपको लग रहा हो ऐसा कि इसके द्वारा जो है हमें धमकी दिलवाई गई है या उसने हमें धमकी दी है, कोई ऐसा कुछ नाम खुलकर के आपके सामने आया है? नहीं, अभी पुलिस ने कोई जांच ही नहीं की है जो ऐसा कुछ पता लगता है। हमने अपने तमाम संपर्क लोग थे उनसे, लोगों से भी मालूम किया, जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी प्राप्त ऐसी नहीं हो सकी है। लेकिन हाँ, हो सकता है जिनको हमारे चुनाव लड़ने से दिक्कत हुई हो भाजपा या सपा के गुंडे हो सकते हैं, लोकल के भी हो सकते हैं, लेकिन ये जाँच का विषय है। आपका बड़ा आरोप है कि भाजपा से भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जहां भाजपा ये दावे कर रही है, अतीक अहमद पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या इस तरीके की कार्यवाही होने होने होते रहनी चाहिए? क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के अपराध बहुत बड़ी संख्या में, तो क्या अपराधियों का इस तरीके से खात्मा होना जरूरी है या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनाई गई है, अदालतें जो बनी है उसमें उस तरीके से जाकर के जो है ये सारे काम जो है होने चाहिए? क्या कहेंगे, क्या ये लोग मानते हैं या वो खरीदने की ताकत या क्षमता नहीं रखते हैं ऐसे लोग? देखिए, मैं कट्टर ईमानदार पार्टी के हम लोग हैं,
और हम हमेशा संविधान पर भरोसा करते हैं, कोर्ट पर भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। जिस तरीके की घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही हैं, ये अवेलना युक्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट के द्वारा आप भी तो देख रहे हैं ना, आपसे आधी रात को 30 लाख रंगदारी मांगी गई, आपको जान से मारने की धमकी दी गई, ऐसे लोग आपको पता है, आपको लगता है कि कोर्ट से सुधर जाएंगे, ये कोर्ट से डर जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में कौन सा इनको फांसी मिलने वाली है ये भी जानते हैं। नहीं, अब देखिए, जो अगर कोई बाहर का है तो उसको पकड़ने का काम प्रशासन, पुलिस प्रशासन का है, उनको कानून के तहत सजा दिलाने का काम पुलिस प्रशासन का है, और पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट हो चुका है। वो इस बात को कतई तवज्जो नहीं दे रहा है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, हमारी पुलिसिंग व्यवस्था क्या है, ना तो सरकारें इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए कोर्ट के माध्यम से लोगों को अब लगता है कि न्याय जल्द नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोर्ट ही किसी भी मामले में निर्णायक है और उनके भी आदेश को सर्वोपरि माना जाएगा, और मैं मानता हूँ, कोर्ट पे ही भरोसा रखता हूँ। अगर मेरा मामला दर्ज नहीं हुआ तो मैं भी न्यायपालिका की शरण में जाऊंगा। जी, अभी तक किन किन अधिकारियों से आप मिल चुके हैं, क्या जो है भाग्या रहा, क्या उनकी तरफ से आश्वासन आपको दिया गया? उनकी तरफ से एक टाल मटोल पूर्ण रवैया अपनाया गया और कहा गया कि मैं जांच करा रहा हूँ, वो एक आंख में फिल्म देखी लोगों से मिले थे। मैं चाहूंगा कि विस्तार से अगर आप हमारे जो है स्क्रीन पर आप बताएं और यहाँ पर आप जो है कार्यक्रम में आप बताएं कि किन किन लोगों से मिले, क्या क्या उनके पद है और क्या उनके द्वारा कहा गया, आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्योंकि वो भी जान लें जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी ये जो है ये संविधान की जब शपथ लेते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा जो है मुहैया करवाना और उनको सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है, और वो अगर संवैधानिक कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको भी जो है लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे लोग हैं इस सरकार में। देखिए, मैं सबसे पहले पुलिस अधीक्षक को फोन किया था, उसके बाद मैं पर्सनली मिला हूँ, मेरे निजी सहायक जो है प्रमोद वर्मा एडवोकेट मिले हैं, उसके बाद मैं पुलिस क्षेत्राधिकारी तिलहर से मिला हूँ, पुलिस स्टेशन हमारा नजदीक पुलिस स्टेशन थाना खुदागंज वहां मैं गया हूँ, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को कतई नहीं समझा है और ना कोई कार्रवाई की है, बस सिर्फ आश्वासन दिए हैं, जांच चल रही है, और मुझे लगता है इनकी जांच कहीं मेरी हत्या ना करा दे। बड़ा आरोप है आपका कि जांच जो है इतनी इस तरीके से जो है चल रही है, इसको तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में इनको काम करना चाहिए, 72 घंटे में, जिस तरीके से योगी सरकार दावे करती है, क्योंकि आगे चल करके बड़े हादसे का इंतजार क्यों होना चाहिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सरकार जितनी सख्त है, सरकार के तेवर जैसे लग रहे हैं, तो उस तरीके से तेवर में जो है वो तेवर दिखने चाहिए सिस्टम के अंदर भी, वो तेवर कहीं ना कहीं हवा हवाई जैसे दिखने लगते हैं। भाई साहब, ये व्यंग्यात्मक बात हो गई है, ये हवाई दावे तो करते हैं लेकिन धरातल पर इनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। जब जनप्रतिनिधि इतना परेशान है तो आप जनता का क्या असर होगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। जी, चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे सरकार को या फिर प्रशासनिक अधिकारी है सिस्टम है उनसे? प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा यही अनुरोध है कि मुझे जल्द से जल्द सुरक्षा दिलाकर FIR दर्ज कराएं और दोषियों को सामने लाएं। आखिर वो कौन लोग थे जो मुझसे इतनी बड़ी रकम लेना चाह रहे थे, उनका मेरे ऊपर कोई कर्जा आ रहा था, या आपकी सरकार में आप जो दावा करते हैं ऐसी गुंडागर्दी चलती रहेगी, आप भी उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से लगातार चलती आ रही है। बिल्कुल, तो हमारे साथ में थे आम आदमी पार्टी के नेता सुखविंदर सिंह चौहान जी, और इनको जो है जान से मारने की धमकी भी मिली, रंगदारी मांगी गई, और ये रंगदारी का जो सिलसिला है वो एक जगह नहीं, बहुत सारे नेता जो है पीड़ित हैं। ETV न्यूज चैनल की तरफ से भी अपील है उन अधिकारियों से कि अपनी जिम्मेदारी सही समय से अगर आप निभाएंगे तो लोग सुरक्षित भी रहेंगे, और जो दावे जो है योगी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें जो है लोगों का विश्वास और बढ़ेगा कि जो कहा जा रहा है वो धरातल पर भी है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ये चैनल। जय हिंद।